क्या नाम आपका? राम रंजन मंडल। बोलिए। मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्रोध का कारण क्या है? मेन कॉजेस। क्रोध का कारण है मूल अज्ञानता है, और उसमें अहंकार खड़ा होता है। बाद में अहंकार को जितना भी दुख हुआ, अपमान हुआ, तो क्रोध हो जाएगा। बाद में हमारी बात बहुत अच्छी है, फिर भी सामने वाला समझ नहीं सकता। हम बार बार समझाने जाएंगे, वो समझता नहीं, तब क्रोध आ जाता। साला समझता नहीं, बेवकूफ, गाली दे देंगे, गुस्सा कर देते हैं। यानी हमारी मनमानी नहीं हो गई तो भी क्रोध करते हैं, अपमान हो गया तो भी क्रोध करते हैं, और हमारी रिवॉल्यूशन ज़्यादा है और वो सामने वाला नहीं समझ पाता है तो क्रोध करते हैं। तीन मुख्य कारण, और चौथा अज्ञानता। समझ में आया आपको? इसकी ज़्यादा डिटेल बात है, बाद में कभी करेंगे। नहीं तो दादाजी की किताब लेके जाना, क्रोध। हाँ, किताब में पूरा पढ़ा था, समझ में नहीं आया। नहीं आया नहीं, किसी ने अपमान किया, अब बेवकूफ़ हो, समझता नहीं है, अक्ल नहीं है, बंद रखो बोलने का, तो हमें क्रोध आएगा कि मजा आ जाएगी। पहले तो मुझे ज़्यादा आते थे, जब से ज्ञान लिया वो थोड़ी कम कम हो गया। ये अज्ञानता मुख्य कारण है कि मैं ही राम रंजन हूँ। वो अज्ञानता से राम रंजन के कोई गलती निकाले तो क्रोध हो जाता है। अभी आपको समझ में आई, राम रंजन की निकालता, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, क्रोध कम होते जाएगा। राम रंजन को हो जाएगा तो राम रंजन को बोलने का प्रतिक्रमण करो, क्यों गुस्सा करते हो, माफ़ी मांगो, तो क्रोध कम हुआ ना, और भी हो जाएगा। हाँ, अश्विन कुमार, अमृतसर। मेरा क्वेश्चन है जी, ज्ञान तो हम सब बहुत जगह से सुना है, मगर विराग नहीं लगता। हम चाहते हैं कोई ऐसा गुरु मिले जो अपनी वाइब्रेशन दे, जिससे कि हम उसकी ओर खींचे। अभी आप यहाँ तक आए हो तो वैराग्य बोला नहीं? हाँ जी, विराग। तो वैराग्य को क्यों, क्या करना है वैराग्य को? घर में दुखी हो जाएंगे सब? नहीं, वो तो वैराग्य या परमात्मा को पाना है फिर तो होगा ही ना, विराग को लगना चाहिए ना उसका। वैराग्य दो प्रकार के रास्ते हैं, एक वैराग्य लो, बाद में भक्ति बहुत करेगा तो वैराग्य आ जाएगा, बाद में संन्यास लेगा, बाद में धीरे धीरे क्रोध को कम करेगा, मोह को कम करेगा, विषय विकार को कम करेगा, धीरे धीरे आगे जाएगा, एक क्रमिक मार्ग बोला जाता है। और दूसरा है लिफ्ट जैसा अक्रम मार्ग, जो आप यहाँ आए हो वो अक्रम मार्ग का लाभ मिलेगा आपको, तो भगवान का साक्षात्कार पाना है। तो दो प्रकार के रास्ते, 12वें फ्लोर पे जाना है, हम दादर चढ़ के भी जा सकते हैं और लिफ्ट में भी जा सकते हैं, लिफ्ट जैसा रास्ता है। उसमें वैराग्य का स्टेशन नहीं आएगा, वैराग्य से ऊपर है समभाव, उसके ऊपर है समता भाव, उसके ऊपर वितरागता, वो स्टेशन आएंगे आपके। उदासीनता, वो वैराग्य के बाद में उदासीनता आता है, वो सब स्टेशन इधर नहीं आएंगे। वैराग्य में सूक्ष्म तिरस्कार है, द्वेष होता है, ये नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, खाने का मिठाई नहीं चाहिए, मोह नहीं चाहिए, तिरस्कार हो जाता है, और अच्छे के ऊपर राग हो जाता है। राग और द्वेष तो चालू ही रहेंगे, तुम्हें आगे की बात मिलनी चाहिए कि राग और द्वेष ही हमारे ख़त्म हो जाए। तो राग द्वेष का मूल कारण है अज्ञानता, तो यहाँ अज्ञानता चली जाती है, धीरे धीरे राग द्वेष अपने आप गिर जाएंगे। नहीं, यहाँ हम आए हैं तो आपका ही प्यार खींच के लाए, बगैर आपकी दया से हम आ नहीं सकते थे यहाँ, ये तो है ही ना, ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा, नहीं तो हमारे में क्या हिम्मत है कि हम यहाँ आ जाए। नहीं, ये तो क्या है, हमारी भावना है कि ऐसा जो सुख हमें मिला वो सुख आप पाए, और आपकी इच्छा है ऐसे कुछ सुख यहाँ मिलता है तो हमें चाहिए, तो चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई दोनों खींच के आ जाते हैं आसपास। कुदरत का नियम है कि जिसको डिमांड है और जिसको सप्लाई करना है वो दोनों आसपास मिल जाते हैं। वो तो है, ठीक बात है, मगर वो गुरु जी वही खींचते हैं अपनी तरफ, वो तो क्या, हम पिछली रूहें हैं जो बिछड़ी हुई हैं, जो आज सारे यहाँ बैठे हैं, ये भी आपकी दया ही हुई है कि हम सारे यहाँ आए हैं, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है, मैं समझता कि यहाँ आ जाए, ये आपका प्यार ही खींच के लाया है। मेरी सोच यही है, मेरी सोच यही कहती है कि ये सब आपका प्यार खींच के लाया है। मैं 4 महीने से अमृतसर में सत्संग सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, मैं एक दिन टीवी लगाया तो बैठा और उनसे हम पूछा, दीदी से, ये भी आज ही आए थे, ये भी बैठे अमृतसर से, मुझे नहीं पता था कि ये भी आए हुए, तो हमने आज भी सत्संग सुना दीदी का, वो भी दादा भगवान पे करते हैं, तो वो नखलऊ के, मैं सोचता था यार, मैंने दीदी को कई बार कहना कि दादा भगवान की कोई फोटो दो, जो सोचे भी कैसे हैं क्या, उन्होंने कहा उन्होंने कोई फोटो नहीं जाए, मैं कहते दादा भगवान हैं कैसे। एक दिन बैठा हुआ मैं सोच में पड़ा हुआ तो मुझे इनकी शक्ल आ गई, मैं कहा ये तो मेरे फादर जैसे हैं, काली टोपी से मेरे फादर भी ऐसे थे। अच्छा, तो मैंने
टीवी जब लगाया एक दिन फिर इनकी आगे, मैं हो ये तो वही है दादा वहाँ। तो फिर मैंने फ़ोन करा, आज वो मिले नहीं उनके हस्बैंड में, कोई राय लक्ष्मी जी हैं मैं जानता, तो उनके मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं लेडीज़ को पहचानता नहीं। तो उनको फ़ोन हुआ, मैंने उनसे बात करी, मैं कहा जी मैं आऊँगा जरूर, कहते थे मुझे भी मिलना, मैं कहा दीदी मैं ज़रूर मिलूँगा आपसे, मगर ये वाइब्रेशन ही है, हम चाहते हैं कोई ऐसी वाइब्रेशन छोड़ो जिसपे सब में कल, आपकी तरफ कल वो मिल जाएंगे वाइब्रेशन। और आप अमृतसर में भी आके अमृतसर चाहते हैं, हाँ भावना रखो सारे मिलके आपका, ये है मेरा बहुत अच्छी भावना है। क्या नाम है? रोशन लाल, बोलिए। मेरा प्रश्न अहंकार से संबंधित है। मैं एक ऑफिस में जॉब करता हूँ, तो मेरे जो जूनियर हैं या मैं कैशियर अकाउंटेंट का काम करता हूँ, तो हज़ारों लोगों से मेरा लिंक होता है, तो जो नीचे वाले हैं उनके सामने तो कुछ नहीं होता, जो मेरे सीनियर हैं घर में मेरी वाइफ है, इन दोनों के सामने मेरा अहंकार ज़्यादा रहता है। वो कुछ जैसे सीनियर कुछ बोलते हैं तो बहुत बुरा लगता है, और घर में जैसे वाइफ कुछ नहीं मानती है तो बहुत बुरा लगता है। तो आपको क्या करना है, वाइफ को निकालना है कि अहंकार को निकालना है? अहंकार को वाइफ को रखना है, अहंकार को निकाल देगा तो अहंकार कल निकल जाएगा। कल गायन विधि में अहंकार ही निकाल देते हैं और आत्मा की जागृति प्राप्त करा देते हैं। बाद में वो जागृति में रहे ना अहंकार को। अहंकार दो प्रकार के, एक चार्ज अहंकार कर्म बांधने वाला, दूसरा कर्मफल भुगतने वाला। कर्मफल भुगतने वाला अहंकार रहेगा और किसी ने हर्ट किया तो खुश होने का, ये भुगत के खत्म होने वाला है। लकड़ा जलेगा तो राख हो जाएगी, बाद में नहीं वापस जलेगा। तो भुगतने वाला अहंकार लकड़े जैसा है, राख हो जाएगी बाद में वापस नहीं जलेगा। और कर्म बांधने वाला तो दूसरा भव बांध के तो भी ख़त्म नहीं होता है, वो कल ज्ञान से चले जाएगा। और मेरा दूसरा प्रश्न है, मैंने एक पहले गुरु का ज्ञान ले लिया हुआ है, तो क्या मैं हाँ वो तो मैंने लिया था ना, मैं कौन था तके रोशन लाल, तो रोशन लाल ने लिया तो कॉलेज में भी लेते, स्कूल में भी लेते, लेने दो। अभी आपको दूसरा ज्ञान देने का है, रोशन लाल का ज्ञान तो उसके पास रहने देने का, आप आत्मा का ज्ञान लेने का है। तो गुरु का ज्ञान में कोई हरकत नहीं, रहने देने का। तो मतलब मेरा जो अभी पहले गुरु हैं, एक्चुअली मेरी शादी से पहले मेरी वाइफ ने उस गुरु का ज्ञान लिया हुआ था, शादी के बाद मैंने भी उन गुरु का ज्ञान लिया, तो हरकत नहीं, रहने देने का। तो मतलब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता है, लेकिन उसकी वजह से मुझे रेगुलर जाना पड़ता है। वो करने का फाइल का संभव से निकाल करने का, मगर ये बात क्या है कि व्यवहार में कोई गुरु रहेंगे, और ये निश्चय में कोई गुरु नहीं होता है, कोई शिष्य भी नहीं रहता है। और रिलेटिव तो में है, और रियल में कोई गुरु शिष्य नहीं रहता। सत्संग में मतलब जाना चाहिए ऐसे? नहीं, वो तो अभी संभव से निकाल करने का। आपकी वाइफ आई है क्या? नहीं वाइफ नहीं, पहले वाइफ को धीरे धीरे सत्संग में लाइए। वाइफ मुझे भी नहीं आने दे रही थी, बड़ी मुश्किल। कोई बात नहीं, घर में टीवी का सत्संग देखते रहना और किताबें छोड़ देने की इधर उधर, वो देखेगी क्या है ये, यहाँ गुरु नहीं होते हैं, शिष्य बनाते नहीं, आपके गुरु छोड़ने का नहीं बताते। जो भी है, हमें तो गुरु के पास क्यों जाते हैं, नहीं हम दुकान में क्यों जाते हैं हीरा लेने के लिए, और आपको हीरा मिल गया तो फिर दो दुकान के चक्कर काटने के छूट जाएंगे। तो मेरे माता पिता को लगता है मैं कहीं ज्यादा भक्ति में ना पड़ जाऊँ, घर बार ना छोड़ दूँ, ऐसा लगता है। हाँ इसके लिए वो लोग मना करते हैं, मेरी वाइफ को भी ऐसे ही लगता है। हाँ अभी आप अभी यहाँ देखो, यहाँ हम कोई किसी को सन्यासी नहीं बनाते, और आप अड़ालज भाग के भी आ गए तो हम वापस आपको घर भेजेंगे। नहीं, आपकी घर की जिम्मेदारी अदा करो, और वाइफ को बच्चे को माँ बाप को किसी को दुख ना हो, ऐसे शांति से जीवन जियो। हम हमारे पास रखेंगे ही नहीं आपको, यानी वाइफ को खातरी हो जाएगी कि नहीं ये तो सन्यासी नहीं बनाएंगे, वापस वो भी आएगी सत्संग बाद में, उसको लगेगा नहीं हमारा हस्बैंड हमारे पास ही रहेगा हमेशा के लिए, मगर प्रेम से जीवन जाएगा, दुख नहीं हो जाएगा। और एक मन वचन काया से किसी को दुख नहीं देना, तो उसमें वाइफ भी आती है? वाइफ तो फर्स्ट आती है, फर्स्ट। फ्रेंड को दुख हो गया चलेगा, वाइफ को दुख नहीं देना चाहिए। ठीक है, नहीं वही करेक्ट है। राम सिंह जयपुर। दीपक भाई, मेरा भी प्रश्न अहंकार से संबंधित ही है। हाँ पूछ सकते हो। संसार में जो नौकरी पेशा में है वहाँ तो अहंकार को फिर भी कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन घर परिवार में अहंकार बहुत हुक्कारे मारता है। बेटे बेटी अगर मान लो बाहर से कहीं बहुत दिनों बाद में आए, चरण स्पर्श नहीं किया तो ऐसा लगता है जैसे उठा के दो तीन थप्पड़ मार दें, या जैसे कभी घर में कोई खाना खाया जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, कोई बहू उठा करके नहीं ले गई तो भी ऐसा लगता है कि जैसे वो असभ्य है, या मतलब वो बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो इससे कैसे, इसके ऊपर कैसे विजय पाई जाए?
ये अहंकार यानी क्या है? अज्ञान मान्यताएं सब उसका कलेक्शन है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़के लोग ने ऐसा रहना चाहिए, लड़की लोग ने ऐसा रहना चाहिए। मगर हम सोचते हैं, राम सिंह, क्या नाम आपका? तो राम सिंह, आप जितना सोचते हो, जितना तय करते हो, उतना राम सिंह करते हैं? हमारा मन करता है, हमारी वाणी निकलती है ऐसी, हमारा वर्तन ऐसा हो सकता है? तब इधर ही गुस्सा थोड़ा करो, राम सिंह क्यों हमारी नहीं मानता, बाहर दूसरे को बाद में जाओ। पर हमारा यानी हकीकत क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि हमारा इच्छा अनुसार हमारा जीवन नहीं चलेगा, संजोग अनुसार चलता है। तो वाइफ है या बहू है या बेटी है कि लड़का है, वो भी संजोग अधीन है, उसको समझाने का है। वर्तन में आज नहीं आया तो बाद में आएगा, उसको समझाओ। बेटा बहू को बताने, बेटा बर्तन सब साफ करके रखो तो अच्छा है, गंदा नहीं होएगा, जीव जंतु नहीं होएगा, सब मक्खियाँ नहीं आएंगी, मेरे मुझे लगता है कि साफ किया तो बच्चा अच्छा लगता है मुझे, बता के छोड़ दो, आग्रह मत रखो। तो दो दिन के बाद वापस उसने ऐसे ही छोड़ दिया, तो कभी दो चार दिन, हफ्ते दो, एक आध बार बताने का, महीने दो महीने में एक बार बताने का, तो भीतर उसको रजिस्ट्रेशन होएगा। रजिस्ट्रेशन हो गया तो धीरे धीरे समझ धीरे धीरे वर्तन में आएगी। हम आग्रह रखेंगे, एक बार वो करके देंगे, दूसरी बार बीच में भीतर में वैर बांधेंगे कि साला मरेगा तो अच्छा है, बूढ़ा समय मरेगा तो, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल देंगे हमारे लिए, और वैर बांध लिया तो दूसरी लाइफ में। और नियम क्या है कि जितना आपको स्वच्छता का आग्रह है, उतना गंदा करने वाला आपको मिलते ही रहेगा। जिस दिन आपका आग्रह खत्म हो गया तो गंदा करने वाला कोई घर में मिलेगा ही नहीं, ये नियम है। तब आग्रह छोड़ दो समझ देने की, और नहीं हो गया तो लास्ट में बोलना कि मैं साफ करके रख दूंगा, मुझे नहीं पसंद आ गया तो, और दूसरे को दुख देना बंद कर दो। ये अहंकार का स्वभाव क्या है, मैंने कहा क्यों नहीं मानते हो, वो आग्रह रहता है उसको। और भाव क्या बताता है, दिल हार्ट क्या बताता है, भाई मेरे से भी कभी गलती रह जाती है तो उनसे भी कभी रह जाएगी, तो अभी माफ़ कर दो, और मुझे कोई समझाएगा तो मैं मेरी गलती सुधार सकता हूँ, तो मैं भी उनको समझाऊंगा तो वो भी अपनी गलती सुधार सकते हैं। यानी समझ से अहंकार कम होता है और वर्तन धीरे धीरे आएगा। और अहंकार से वर्तन लाने जाएंगे दो चार दिन होएगा, बाद में हम बाहर गांव गए तो सब लोग बोलेंगे अभी बर्तन भी साफ कौन करता है, कचरा भी कौन निकालता है, जब साफ करके खाने का होएगा तब साफ करेंगे खाएंगे, यानी उसका मन बिगड़ जाता है, नेगेटिव ज़्यादा बिगड़ जाता है। अभी आप क्या करना है, आप निश्चय करना कि मेरे अहंकार से किसी को दुख नहीं देना है, हम समझा के बात करनी है, समझा के छोड़ दो। और फिर भी अहंकार बीच में आ गया, करना ही चाहिए, बोलने का राम सिंह प्रतिक्रमण करो, किसी को दुख ना दो, आग्रह मत रखो। सत्य का भी आग्रह पॉइजन हो जाएगा एक दिन, क्योंकि आग्रह से ही सब पॉइजन शुरू होते हैं। हाँ, भाव रखो, और हमारा भाग्य ऐसा होगा तो हमें विचार करेंगे, वो लोग साफ सुफ करके रखेंगे, ऐसा हिसाब हो जाता है। बोलो हमारा इतना भाव है तो अपने आप सब संजोग मिलके वही भाव अनुसार हो जाता है, उतना पुण्य का प्रभाव है। और हम कितना भी आग्रह रखेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, हमारा कर्म का हिसाब ऐसा होएगा। तो फिर भाव करो और समझा के काम करो, ये दुख देने का बंद कर दो। समझ में आया आपको? और कल ज्ञान लेंगे तो हमें ये भी समझ में आएगा करने वाला कौन है। तो ज्ञान विधि में रहेंगे हम। हाँ, तो जागृति से आपको लगे कोई दोषी था ही नहीं, शुद्धात्मा करता नहीं है, प्रकृति संजोग अनुसार चलती है, उसका भी दोष नहीं है, निर्दोष दिखेगा तो क्रोध भी नहीं हो जाएगा, आग्रह भी छूट जाएगा। अमृतसर वाले भाई कह रहे थे कि कोई विशेष कृपा है जो यहाँ खींच के लाई, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और बहुत बार पिछले 5 साल से प्रयास था, कोई समय तो ऐसा था जब मैं आपके प्रवचन देखता था तो मेरे सामने शराब का गिलास पड़ा रहता था, मैं उसको पीता जाता था और देखता जाता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 25-30 साल से जो बुरी आदतें थी सारी, शराब छूट गई, बीड़ी सिगरेट जर्दा मांसाहार ये सारा छूट गया। बहुत अच्छा। लेकिन अभी भी ये अहंकार जो है ये बिल्कुल ऐसा पीछे पड़ा हुआ है कि इससे मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये अहंकार डिजॉल्व करने की ही हॉस्पिटल है। दुनिया भर के अहंकार यहाँ, मगर विज्ञान से डिजॉल्व होता है, निमित्त है सब। और ये विज्ञान समझ लिया तो अहंकार खत्म हो जाएगा। इसको ईगो हॉस्पिटल बोला जाता है, ईगो डिजॉल्व करने की हॉस्पिटल। अंजना, मुझमें सहन शक्ति बहुत कम है। जैसे जीवन में कोई भी कभी भी दुख आता है
तो ये सब तो दादा भगवान की बातें माइंड में आती हैं कि हाँ सब व्यवस्थित है, कर्मों का फल है, लेकिन फिर भी उस वक्त सिर में भारीपन सा फील होता है और सहन नहीं कर पाती वो सब कुछ। ज्ञान लिया है आपने? नहीं, अभी नहीं लिया। हाँ, तो कल ज्ञान लेने के बाद जुदापन की जागृति पड़ेगी। अंजना को सहन करना है, आपको नहीं। और सिर्फ सच्ची बात तो सहन करना नहीं है, समझ के समाधान पाना। ये सहन करना यानी स्प्रिंग दबाना, बोझा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। 10 बार स्प्रिंग दबा दी, एक दिन स्प्रिंग छटक जाएगी तो हमारा सर तोड़ देंगे, सामने वाले को भी नुकसान कर देंगे। मैं सहन नहीं करना है, समाधान पाना है, और समाधान समझ से प्राप्त हो जाएगी कि मेरे जीवन में ये आदमी मेरे घर से 5000 रुपया क्यों लेके गया। बाद में हमें नहीं मालूम है तो हमें दुख लगेगा, ये फोकट का पैसा लेके जाता है। बाद में घर वाले ने बताया कि नहीं, हम 25000 उससे लिए थे, उसमें से 5000 दिए, तो समाधान हो जाएगा। तो सहन करना पड़ेगा कि शांति रहेगी, हमें शांति रहेगी बस, तो समझ से समाधान हो जाता है। और ये विज्ञान समझ का ही है, जितना भी समझ से समाधान मिलते जाएगा उसका फल हमें समाधि रहेगी। समाधि आधि व्याधि उपाधि में भी समाधि रहेगी, पर समझ 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 करना है यहाँ पे। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ बहुत बिजी रहती है, हर रोज़ सोचती हूँ कि असीम जयकार करूँगी, प्रातः विधि करूँगी, नमस्कार विधि, नौकल में सब मन में रहता है, लेकिन फिर भी समय नहीं निकाल पाती हूँ। कुछ ना कुछ वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसे होती हैं कि चाह के भी नहीं हो पाता है सब। तो सिर्फ आप एक लिस्ट बनाइए कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो जाता है, तो दिखेगा आपको कम से कम 3 घंटा बिगड़ जाते होंगे। और दूसरा काम यह करो कि सोने से पहले 10-15 मिनट निकालो, उठ के 5-10 मिनट निकालो, तो दो तीन टाइम में मिल जाएगा। या ट्रैवलिंग टाइम में भी आप कर सकते हो, उसमें कोई हरकत नहीं। समझ लो स्कूटर चलाते हो तो नहीं हो सकता, मगर रिक्शा है या बस में बैठे हो आराम से विधि कर सकते हो। चित्त की एकाग्रता से करना है तो हो जाएगी। ठीक है, जैसे और आपको ये ज्ञान लेने के बाद आपके राग द्वेष टेंशन जो सहनशीलता नहीं है ये सब बोझा कम हो जाएगा, टाइम बहुत बचेगा आपका। ठीक है। अपने आप टाइम मिलेगा आपको विधि करने के लिए, क्योंकि ये जो एक दुख आ गया तो दुख से हम मुक्त होने के लिए आधा 1 घंटा निकल जाता है हमारा, क्या करो कैसे करो क्यों हो गया क्यों हो गया, टेंशन तो हम टाइम बहुत बिगड़ जाते हैं। ज्ञान से समाधान मिल जाता है, 2 मिनट में सॉल्यूशन आ गया तो बाकी की 28 मिनट बच जाएगी हमारी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, जैसे मैं चाहती हूँ कि कल मैं ज्ञान ले लूँगी, उसके बाद मेरे मन में ये है कि मैं मेरा एक नियम बना रहे कि हाँ इतना टाइम मेरा आपके उसमें नौ कलमे पढ़ने या प्रातः विधि इन सब में बीते, ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रतिक्रमण करूँ, लेकिन फिर माइंड में आता है कि मैं कैसे टाइम निकाल पाऊँगी क्योंकि बाकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रतिक्रमण तो चलते फिरते अतिक्रमण हो जाता है ना, तो चलते फिरते प्रतिक्रमण भी हो जाएगा। ठीक है, और टाइम बचेगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, अभी तो पहले ज्ञान लो, देखो कितना हमारा 2 घंटे का काम 10 मिनट में पूरा हो जाएगा, कितने टाइम बच जाएंगे हमारे। बोधरेशन कम हो गया तो बहुत टाइम बचेगा, और नींद में भी 8 घंटे की नींद 6 घंटे की हो जाएगी, 2 घंटा वहाँ बच जाएगा। धीरे धीरे टाइम मिलेगा, आप चिंता मत करो उसकी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक कुमार, आत्मा के अनंत दर्शन वाला है, इसके बारे में जानना। दर्शन किसको बोला जाता है? 2 प्रकार की बात को दर्शन बोला जाता है। एक तो समझ लो हम पेड़ देखते हो, कितने सारे पेड़ है, तो सामान्य भाव से देखना उसको दर्शन बोला जाता है। ये नीम का है, ये इमली का है, ये आम का है, विशेष भाव से देखा उसको ज्ञान बोला जाता है। यानी कितने आदमी आए सत्संग में, वो दर्शन भाव बोला जाएगा। और ये वो आदमी है, ये अमृतसर वाले हैं, ये जयपुर वाले हैं, ऐसे अलग अलग देखा तो ज्ञान बोला जाता है। और दर्शन यानी सामान्य भाव से, जैसे किचन में कुछ गिरा तो हमें लगता है कुछ गिरा क्या है मालूम नहीं, तो कुछ अधूरी समझ है, अधूरा ज्ञान है, अनडिसाइडेड ज्ञान, उसको समझ बोला जाता है, कुछ है। बाद में जाके देखा बिल्ली ने ग्लास गिराया, दूध गिर गया, तो क्या हुआ देखा, उसको ज्ञान बोला जाता है, समझ और ज्ञान। तो आत्मा क्या है, तो अनंत दर्शन वाला है, सब प्रकार की बातें उसको समझ में आ जाती है, जहाँ देख सकता है, और अनंत ज्ञान वाला है, देख सकना उसको समझ बोला जाता है दर्शन, और जान सकना उसको ज्ञान बोला जाता है। अनंत प्रकार के ज्ञेयों को जान सकता है और दृश्यों को देख सकता है,
देखना दृश्य और दर्शन से देख सकता है, सामान्य भाव से, और विशेष भाव से ज्ञान से जान भी सकता है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है, वही हम खुद है। ये मरने के बाद जीव आत्मा कहाँ जन्म लेती है, क्या इसको ज्ञान विधि द्वारा जाना जा सकता है या नहीं? नहीं, जाना नहीं जाएगा। ज्ञान विधि से मैं कौन हूँ जाना जाएगा, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। हाँ, आप डेस्टिनेशन तय कर सकते हो, मगर दुनिया के लोग कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो कुछ नहीं जान सकते, केवल ज्ञान ही जान सकते हैं। समझ में आया आपको? जी जी। क्या जो छोटे छोटे सूक्ष्म पाप हमसे हो जाते हैं, क्या उसका भी हमें कर्म फल भुगतना पड़ता है? वो अज्ञानता में तो सब साथ, रात को सोएगा तो भी उसका कर्म बंधा जाएगा। अच्छा। मगर ज्ञान के बाद बहुत प्रकार के पाप जल जाते हैं, और जागृति रहे से बहुत प्रकार के पाप नहीं बनतेगे, उसकी गारंटी। जैसे हमारा कई बार कोई दोष नहीं होता है, पर फिर भी हमें कोई बुरा भला कहता रहता है, गालियाँ निकालता रहता है, हमें उसकी बात सुननी चाहिए तब भी? दोष नहीं रहेगा, पर हमें कुछ वो बोलेगा तो सफरिंग आता है, भुगतने का होता है भीतर में, तो भुगतता है, उसकी गलती। इस लाइफ का दोष नहीं होगा तो पूर्व भव की लाइफ का दोष होएगा, कुछ दोष के बिना कोई दंड आएगा ही नहीं। सुनना यानी क्या, उसको दोषित मत देखो, उसका बात समझ के सॉल्यूशन निकालो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है समझ के सॉल्यूशन निकालो, उसको आक्षेप मत को, उसके दोषित मत देखो, उसके साथ झगड़ा मत करो, राग द्वेष मत करो, और उसको सॉल्यूशन निकाल के हम रास्ता निकाल लेंगे। एक आदमी ने बहुत पिया है तो क्या करना है, उसके साथ बहस करना, हम समझ जाने का, ज़्यादा पिया है तो धीरे से भाग जाने का, बहस करने जाएंगे तो दिन बिगड़ जाएगा हमारा। तो ये मोहरूपी दारू से बोल रहा है, वो दारू पीने से बोल रहा है, पर अज्ञानता वही एक प्रकार का दारू ही है। मैं कुछ, आई एम समथिंग, अहंकार है, और अहंकार के मस्ती में कुछ ना कुछ बोलेगा तो हम समझ जाने का, भाई हाँ मैं तो छोटा आदमी, माफ़ करना हमें, करके चले जाने का। ज़्यादा बहस नहीं करना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, हमें छूटना है संसार से, भाई साहब करके छूट जाने का। आप बड़े आदमी हो, बहुत महान पुरुष हो, मैं तो छोटा आदमी, ऐसे होके छूट जाने का। कई बार सहन नहीं होता है जी, नहीं होता है, गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं, फिर भी आप रिसीव क्यों करते हो, हवा में फेंक रहा है कचरा। ठीक है, एक आदमी उल्टी किया तो हम क्या पकड़ लेने का बर्तन में, उल्टी करने दो, हम सोचने भाई तुम्हारा किया हुआ इधर पड़ा है, मैं तो टच नहीं किया, आपको लेके जाना है तो लेके जाओ वापस, नहीं तो मैं टच नहीं करूँगा। क्यों आप रिसीव करते हो, मुझे एक बोल रहा है वो मानना, वही हमारी अज्ञान मान्यता, और अज्ञानता से सब दुख हम उठा, हमारे सर के ऊपर बोझा कर देते हैं दुख लेके। आप समझने का, वो अपने मुँह से बोलता है, हवा में डालता है, हम रिसीव नहीं करने का, उसका शुद्धात्मा देखना, उसका भरा हुआ माल निकलता है। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद।